गुड मॉर्निंग, आपके अपने चैनल मैथ एफटी में आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत है। कि क्लास 10 के लिए फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ प्रॉब्लम लेके मैं आप तक पहुंच रहा हूं। ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 का है। इससे पहले भी बहुत सारा एक्सरसाइज बनाया, कुछ मैं आप लोगों के हवाले किया कि आप उसको बना के सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। अगर नहीं बनता है, नहीं बना, हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको बना के आप तक पहुंचाऊंगा। अभी कोरोना है प्लस फ्लड है, सिचुएशन भारत का ठीक नहीं है, जिसमें दो स्टेट, तीन स्टेट, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये सब स्टेट, वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन, ये सबकी आबादी नियर अबाउट 60% पानी में डूब रही है। लोगों का बहुत बुरा हाल है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इन लोगों के हाल में सुधार आए। सरकार तो सुधार नहीं सकता, सरकार के बस का रोग भी नहीं है कि सरकार सुधार देगा। जाने दीजिए, सरकार की यहाँ बात नहीं, यहाँ बात हो रही है पढ़ाई लिखाई की। इससे पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने रखा है, इसलिए कि मैं रेगुलर मैनर में डेली दो एक वीडियो क्लास 9-10 का बनाता हूँ। एनसीईआरटी बुक से बेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सेट होगा। इससे पहले भी सेट होता था। अब कन्वेंट स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, पूरे स्कूल का सिलेबस एक हो जाएगा, किताब एक हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी को पकड़ो, एनसीईआरटी से बनाओ, बेस मजबूत होगा, आगे कुछ करोगे। नहीं होगा तो जैसे घूमते हो वैसे घूमते रहोगे। हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका 98% आदमी ऐसे ही घूम रहा है। आओ, कुछ सवाल छोड़ते हैं तो उसको बनाओ, भगवान के भरोसे मत छोड़ दो। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, भगवान स्कूल में नाम नहीं लिखाया, भगवान कोचिंग नहीं करता, भगवान ट्यूशन नहीं पढ़ता, भगवान किसी गुरु के पास नहीं जाता। इसलिए भगवान के भरोसे छोड़ना ही नहीं है। हमेशा याद रखो कि तुम जिस भगवान के भरोसे हो, क्या पता वही भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि मैं जिस मानव को धरती पे भेजा है वो क्या कर रहा है और क्या करके लौटेगा। जाने दो, इनका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 का सबसे पहला सवाल देखो, ये फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका दो रूट्स निकालना है। यानी पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस कितना है ये 324। आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, होगा ही, उसमें देख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इस बार जो 2020 में 9th पास करके 10th क्लास में गए हैं उन बच्चों को स्कूल से भेज ही नहीं हुआ, खासकर देहाती क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको तो किताब भी नहीं मिला होगा। जाने दीजिए, जहाँ भी हो वीडियो देखो। अगर ज्ञान लेना है तो ज्ञान लो, नहीं परेशानी लेना है तो परेशानी लेते रहो और परेशान रहोगे। फैक्टराइजेशन का सबसे बेहतरीन तरीका ये क्या है, इनका जो कांस्टेंट है थर्ड टर्म, इस थर्ड टर्म को पहले टर्म से गुना कर दीजिए। इनको करके देखिए क्या बनता है, 324 एक्स स्क्वायर। अब आपको कोशिश करना है, आपको खोपड़िया लगाना है कि 324 का कौन दो नंबर हम चुने जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 324 हो और जोड़ घटाव करने से 45 हो। इनको आसान तरीका है कि 324 में आपको सोचना पड़ेगा, यही कि कोई किताब नहीं है कि अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे पहले 8, 6, 10, 5, 2 सबसे मल्टीप्लाई कर लो, किसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। हमने चुना है कि 9 से 324 गुना करेंगे, गुना करके ये मल्टीप्लाई ये भाग देंगे तो 9 से इसको भाग देंगे। देखो तो 9 + 27, 12 में से 7 + 5 ये कट गया, रेस्ट 4 × 17, 6 × 54 ये कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं हुआ, कोई शेष फल नहीं हुआ। अब क्या सीखने को मिला कि 324 में ये 9 से डिवाइड करते हैं तो 36 उनका क्वेश्चन आता है, यानी कि भागफल आता है 36, यानी कि 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही 324 के बराबर होगा, और 36 में 9 जोड़ देंगे ये 45 के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ, फाइनल हो गया कि इनका जो दो फैक्टर होगा, एक होगा 9, दूसरा होगा 36, इनको गुना करेंगे तो 324 होगा, इनको जोड़ देंगे तो 45 होगा। ये सबसे आसान तरीका, आइए इसको कैसे लिखते हैं सीखिए। भागिए मत, स्किप करके भागने से कोई फ़ायदा होता है नहीं, भाग भी गए तो अपना कुछ नहीं होगा। इक्वेशन के दिया हुआ है इसलिए उसके साइन लिखते हैं, और या हिंदी में लिखते हैं या दोनों में से कोई एक चीज़ लिखिए। या पहला पोर्शन को एज इट इज़ लिखिए, अब माइनस दो फैक्टर निकला उनको लिखिए, पहला को 9x, दूसरा को लिखिए 36x, अब प्लस
324 ये बराबर होगा जीरो के। ये क्यों लिखते हैं ऐसा, देखिए यहाँ साइन है -45, इसलिए माइनस और माइनस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा, यानी कि +36x + 9x² और -36x² ये बराबर हो जाएगा +324x², इस 324 को इनसे गुना करें तो वही होगा -9x और -36x, माइनस और माइनस प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 45 होगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। आइए या तो इसको फिर इस फॉर्मेट में लिखिए, इनको एक पार्ट कीजिए, इनको एक पार्ट में रखिए, इन दोनों में देखिए कौन कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आने का मतलब डिवाइड होना, एक्स को स्क्वायर में एक से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स बचेगा, 9x में एक से डिवाइड कीजिएगा ये 9 बचेगा, माइनस यहाँ साइन है माइनस लीजिए, इन दोनों में देखिए कौन कॉमन है, 36 कॉमन आ जाएगा, 36 में 36 से डिवाइड कीजिएगा 1 बच जाएगा x, इस ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन ये बदलेगा, सीखो। 324 में 36 से भाग दोगे तो ये 9 होगा, ये कट के 0 होगा, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों फैक्टर कॉमन है, इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी कि एक होगा x-9 और एक होगा x-36, ये बराबर दिया हुआ है 0 के। ठीक, इसके आगे बढ़िए आप, इसके आगे बढ़ें, यहाँ चले, दिखाई देता है, हाँ ये x-9 और इंटू x-36 के बराबर हुआ 0। ये मैथमेटिक्स कहता है कि जब दो मल्टीपुल आपस में 0 के बराबर होता है, जब दो मल्टीपुल यानी दोनों एक दूसरे का गुणक है, दो मल्टीपुल जब आपस में 0 के बराबर होता है तो दोनों मल्टीपुल भी आपस में 0 के बराबर होगा, यानी कि x-9 बराबर भी 0 होगा और कि x-36 बराबर भी 0 होगा। अगर x-9 बराबर 0 तो x बराबर 0 अपनी जगह पे इनको राइट में लेके चलिएगा तो इनका साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वही हिसाब x बराबर 0 इनको राइट में ले जाइए, इनसे पहले माइनस है ये जाके 36 हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि x बराबर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा, x बराबर 0 में 36 जोड़ेंगे तो ये 36 होगा, खेल ख़त्म पैसा हजम, खेल ख़त्म पैसा हजम, इसका मतलब हुआ कि अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उनका दो रूट्स निकला, एक 9 निकला एक 36 निकला, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² - 45x + 324 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टू रूट्स निकला, जो अभी आपको हमने निकाला, टू रूट्स बराबर होगा x = 9 और x = 36, यही इनका आंसर होगा। ऐसे देख लें आप, ऐसे देख लें आप, x = 9 और x = 36 इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू रूट्स होगा, यही आपका जवाब हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन और देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वही हिसाब 750 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 750x² होगा, अब इनका कैसा फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पे इतना हो, गुना प्लस और माइनस करने पे 55x होगा, एक इनका हो सकता है 30, एक इनका हो सकता है 25, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में ये 55 होगा, इसका मतलब हुआ कि हमारा फैक्टर निकल गया, एक निकला 30, एक निकला 25। ठीक, वही आसानी से आपको खोपड़िया लगाना है, इसको लिखने का तरीका या x² - 30x दूसरा क्या होगा 25x + 750 = 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इनको इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, दोनों को माइनस प्लस करो तो 55x होगा, -30x - 25x = 55x, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, इन दोनों को एक पार्ट करो, इन दोनों को एक पार्ट करो, इन दोनों में देखो x कॉमन है, ये पहले वाला हिसाब x-3 बचेगा, -25 कॉमन ले लो तो ये x बचेगा, माइनस ब्रैकेट के पहले है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलेगा, 25 दिया 75, 750 में 25 से भाग दोगे डिवाइड करोगे तो 30 होगा, इसका मतलब हुआ x-30 ये बराबर है, इसमें से एक फैक्टर ले लो x-25 ये ले लो और दोनों में जो कॉमन है वो ले लो, इतना बराबर आपको 0 हुआ। ऐसे देखिए आप, ऐसे देखिए। ठीक, और आपको मैथमेटिक्स क्या कहता है कि जब दो मल्टीपुल आपस में 0 हो तो दोनों मल्टीपुल भी आपस में 0 होगा, यानी x-25 = 0 होगा और x-30
ये भी बराबर जीरो के होगा। अब आ जाइए जरा ऊपर, जगह नीचे नहीं है, ठीक आ गए। इसको उठा के यहाँ लाइए, इसको उठा के यहाँ लाइए, ये है x माइनस 25 बराबर ज़ीरो और x माइनस 30 बराबर ज़ीरो। इसका मतलब हुआ कि x बराबर यहाँ ज़ीरो, इनको उठा के राइट में ले जाइए, इनके पहले जो साइन है माइनस वो प्लस हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी तरीके से x प्लस ज़ीरो, इनको उठा के उधर ले जाइए, ये हो जाएगा प्लस 30। इसका मतलब हुआ कि ज़ीरो में 25 जोड़ेंगे ये 25 होगा, दूसरा जो x है ज़ीरो में 30 जोड़ेंगे ये बराबर 30 होगा। इसका मतलब हुआ कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यही दो रूट निकला, x बराबर 25 और x बराबर 30। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दो रूट्स, ये टू रूट्स जो होगा इसका यही होगा है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 का दो रूट निकला, एक x बराबर 25 और एक x बराबर 30, यही आपका आंसर होगा। ठीक, रूट निकालना था, आपने रूट निकाल लिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा सवाल देखा सवाल। अगर इससे रिलेटेड और पहले प्रीवियस एक्सरसाइज का अगर सवाल बचा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, फिर मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो बिल्कुल आप भगवान के भरोसे छोड़ दें, भगवान आजकल छुट्टी में है, वो आपका सारा सवाल बना के यूट्यूब पे डाल देगा, नहीं तो आपके व्हाट्सअप पे डाल देगा। इसलिए कि भगवान को आपका व्हाट्सअप नंबर भी पता है, इसलिए वो धरती पे भेजा है, इसलिए उसको सारी चीज़ पता है। भगवान के भरोसे मत बैठो, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है, धरती पे आए तो कुछ करो। इस वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वाला चैनल नहीं है। जहाँ पैसा लगता है 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, तुम सीखो न सीखो, पास करो फेल करो, रोड पे घूमो, दिन में घूमो, रात के घूमो, ठोकर खाओ, ऑनलाइन को कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है पैसा से। हम तुमसे पैसा, तुम लोगों से पैसा नहीं ले रहे, फ्री का शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा लो, अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करो, पसंद नहीं आता है चैनल मत सब्सक्राइब करो। चलो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी। हम रेगुलर क्लास 10 और 9 का वीडियो एक डालते हैं, वो डालते रहेंगे, तुम देखो या नहीं देखो वीडियो हम डालेंगे। उस पूरे देश में मैथमेटिक्स की दीप हम जलाएंगे, हमने ये वादा किया है। इसमें तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत हो, अगर सहयोग देते हो तो अति उत्तम, मोस्ट वेलकम। सहयोग नहीं भी देते हो तब भी मोस्ट वेलकम। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो छोड़ के स्किप करके मत भागो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, बाय बाय।